हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज आज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में लेकर चलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग फॉर रेलवे एंड एसएससी से कुछ आधारित प्रश्न। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग फॉर रेलवे एंड एसएससी, यह जो आपका जो टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देर न करते हुए चलते हैं दोस्त कुछ रीजनिंग की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा दोस्त, आपके सामने एक क्वेश्चन जो कि मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति तीन अंतः विभाजक वृत्तों से घिरी है। देखिए नीचे तीन आकृति है जो कि विभाजक वृत्तों से घिरी हुई है, जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र के एक छोटे अक्षर से दर्शाए गए जो कि आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सभी तीनों खेलों को खेलने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है, यानी कि कौन सा इसमें से क्षेत्र है जो तीनों खेल खेलता है, यानी कि वह कौन सा यहाँ पे जो अक्षर है जो तीनों खेल को सूचित कर रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तीनों खेल को अगर हम मान के चले तीनों वृत्त में सी को अगर लेते हैं, तो देखिए सी इसमें भी शामिल है, सी इसमें भी शामिल है और सी इसमें भी शामिल है, बाकी और भी जो अक्षर है वो किसी में शामिल नहीं है। तो यानी कि यही एक ऐसा जो है आपका अक्षर है जो तीनों खेलों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपका आंसर कौन होगा, तो आपका आंसर जाएगा सी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यानी कि ये जो आपका जो है सर्कल है जो फुटबॉल को सूचित कर रहा है, ये बास्केटबॉल को सूचित कर रहा है। तो कहता है कि कौन सा जो है अक्षर है जो बास्केटबॉल और फुटबॉल तो खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते। तो यहां से हम देखेंगे कि ये दोनों में शामिल होना चाहिए बट इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्कल है यहां तक है, यानी कि इस सर्कल में आ जाता है डी और सी और एफ, ठीक है, और ये जो जी है, ठीक है, ये केवल इस सर्कल में है बास्केटबॉल में, और फुटबॉल में केवल ए है। तो यानी कि अगर इस दोनों में देखा जाए तो आपका कौन है, बी है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो बी है इसमें ए वृत्त में और ए वृत्त में है, यानी कि बास्केटबॉल और फुटबॉल यही वृत्त में है, बाकी इसमें नहीं है। तो आपका आंसर कौन जाएगा, बी, यानी कि आपका दूसरा का आंसर कौन जाएगा, तो बी जाएगा, ठीक है, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, कौन सा क्षेत्र उन लोगों को समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते। तो फुटबॉल खेलेंगे लेकिन क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। तो याद रखिएगा कि यही सर्कल में अकेला होना चाहिए, वही खेलेगा। तो इस सर्कल में आप देख रहे होंगे कि अकेला केवल ए है, ठीक है, यही फुटबॉल केवल खेल रहा है, बाकी सब तो मिला जुला इसमें घुसा हुआ नहीं है, यानी कि आपका आंसर कौन जाएगा, ए जाएगा। तो आपका तीसरा नंबर का आंसर कौन जाएगा, ए, ठीक है, ए, ठीक है। तो यही थे क्वेश्चंस कुछ दोस्त, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो बस इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस रहता है स्पेशली फॉर एसएससी रेलवे में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अगले रीजनिंग की ओर, किस टाइप का रीजनिंग और पूछती। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला है आपका क्वेश्चंस रीजनिंग नंबर टू, आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। आपका स्टेटमेंट यानी कथन दिया हुआ है, कुछ दरवाजे सेल्फ है, आप देख रहे होंगे कि कुछ दरवाजे सेल्फ है और सभी सेल्फ खिड़कियां है, ये आपका कथन दिया हुआ है। इसके बाद निष्कर्ष में आप देख रहे होंगे कि निष्कर्ष नंबर वन कहता है कुछ दरवाजे खिड़कियां है, ठीक है। निष्कर्ष नंबर दो कहता है कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, और आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन है केवल एक निष्कर्ष समर्थन करता है, बी है केवल दो निष्कर्ष समर्थन करता है, सी है या तो एक अथवा दो समर्थन करता है, और डी है ना तो एक और ना ही दो समर्थन करता है।
ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखा गया है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, सबसे पहले कथन को बनाया जाता है, इसके बाद उसको निष्कर्ष पर चुना जाता है कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन, इसमें कौन वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप कथन देख रहे होंगे कि कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो मान लिया जाए कि ये जो सर्कल है, ये जो हमने ब्रीथ लिया, तो ये दरवाजा का है, ठीक है, ये दरवाजा का ब्रीथ है। ठीक है, फिर बोलता है कुछ दरवाजे सेल्फ है, तो कुछ दरवाजे, तो ये पूरा ब्रीथ है, पूरा ब्रीथ में अगर थोड़ा सा भाग अगर हम ले लें, ये वाला थोड़ा सा भाग सेल्फ, ठीक है, सेल्फ का, ठीक है, तो ये जो भाग आपका आता है, ये कुछ कुछ को संबोधित करता है, किसको, कुछ कुछ को, ठीक है। तो कुछ दरवाजे सेल्फ है, यानी कि ये पूरा दरवाजा था, इसमें से इतना भाग क्या है, सेल्फ है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, या फिर कुछ सेल्फ दरवाजा है, इसका भाग भी तो इसमें गया है, तो कुछ सेल्फ दरवाजा है और कुछ दरवाजा सेल्फ है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है कि सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, सब सेल्फ बन गया क्या, खिड़की, तो सेल्फ तो पूरा है, तब इसमें से एक इसको मिलाते हुए एक डायग्राम बनेगा इस टाइप का। ठीक है, कि सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, तब सब सेल्फ इस खिड़की में आ गया, तो ये आपका खिड़कियां है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, खिड़कियां। तब देखिए सभी सेल्फ खिड़की के अंदर चला गया ना, ठीक है, तो अब आपका निष्कर्ष जो कि देख रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में देखिएगा, अब कहता है निष्कर्ष नंबर वन कि कुछ दरवाजे खिड़कियां है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़कियां है, तो कुछ दरवाजा, आप देखिए कुछ दरवाजा यानी ये वाला भाग खिड़किया है, तो देखिए खिड़की का जो ये वाला ब्रीथ है वो तो दरवाजा में घुसा हुआ है, ठीक है, यानी इससे साबित हो रहा है कि कुछ दरवाजा खिड़कियां है, यानी कि आपका जो है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही। ठीक है, दूसरा बोलता है निष्कर्ष दो कि कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, वो पूछ रहा है कि कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, तो आप देखिएगा कोई भी सेल्फ, अब देखिए ये सेल्फ है पूरा सा गोल वाला सेल्फ है, तो कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, तो देखिए तो सेल्फ वाला तो दरवाजा में है ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, यानी कि कंक्लूजन नंबर टू क्या हो गया, गलत, यानी कि आपका आंसर कौन जाएगा, फर्स्ट वाला। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में कि फर्स्ट क्या है, कि केवल एक निष्कर्ष समर्थन करता है, यानी कि आपका जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो कौन जाएगा, आपका आंसर नंबर ए जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर, और किस टाइप के रीडिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला रीडिंग है रीडिंग नंबर थ्री। आप जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एस और जेड केंद्र में है, एस और जेड केंद्र में है, ए और पी अंत में है, ए और पी क्या है, लास्ट में है, ए के बाएं तरफ आर बैठा है, ए के बाएं तरफ कौन बैठा है, आर बैठा है, तो पी के दाएं कौन है, आपको आंसर बताना है पी के दाएं कौन है। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन बोर्ड पे इस पे है, ए बी ए एक्स एस और जेड, ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी एक्स, ऑप्शन नंबर सी एस, और ऑप्शन नंबर डी आपका जेड, ठीक है। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन से आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन करता है बस उसी प्रकार आपको रख के चलना है, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चंस है, ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, कहता है कि ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जब भी हम पंक्ति में बैठते हैं तो हम लोग लाइन से बैठते हैं, तो हम लोग एक डायग्राम ले लेंगे यहाँ से सीधा, ठीक है, और जितने भी मेंबर हैं उनका एक लोगो बना लेंगे। तो आपका मेंबर है एक दो तीन चार पाँच छः, तो देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, हमने छः लेन बना लिया। अब चलता है कि एस और जेड केंद्र में है, एस और जेड का तीन चार पाँच छः, अब सम संख्या में केंद्र तो होगा नहीं सेंटर बीच में, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, तब हम करेंगे कि एस और जेड केंद्र में है, तो देखिएगा इसका केंद्र लेना होगा, तो एक ए वाला, देखिए दो इधर से और दो इधर से, तो केंद्र यही हुआ ना, तो केंद्र में बोल रहा था कि एस और जेड, तो या तो यहाँ एस होगा या फिर यहाँ जेड होगा, या फिर यहाँ जेड होगा और या फिर यहाँ एस होगा, यानी दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन अभी तो संभव नहीं है कि कौन सा होगा। आगे चलते हैं, तो कहता है कि ए और पी अंत में है, ए और पी अंत में है,
तो यहाँ पर ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, यहाँ पर भी ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब ए आपका जैसे ही आगे बनाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बाएं तरफ आर बैठा है तो ए के बाएं तरफ, तो सबसे पहले डायरेक्शन पर फोकस करेंगे कि डायरेक्शन होता क्या है। तो हम ऐसे हैं तो मेरा बायां हाथ इधर है और दायां हाथ इधर है, तो बायां यानी कि इधर हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है, और इधर हो गया आपका राइट। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। अगर हम ऊपर से नीचे डायग्राम बनाया जाए तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां होगा, लेकिन ऊपर से नीचे चलेंगे तब, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप चलते हैं इस डायग्राम की ओर, तो कह रहा था कि ए के बाएं तरफ आर बैठा है, यानी ए के बाएं, तो बाएं तो इधर है, ठीक है, ए आपका क्या है बायां, याद रखिएगा, और ये आपका क्या है दायां। तो कहा था कि ए के बाएं तरफ आर बैठा है, तो ए के बाएं यानी कि इधर ना, तो ए के बाएं यानी इसे साबित हो गया कि ए कहां होगा, यहां होगा, तो ए के बाएं तरफ आर बैठा है यानी कि इस तरफ क्या है आर बैठ गया, ठीक है। अच्छा अब बोलता है तो P के दाएं कौन है, तो सबसे पहले अब यहाँ तो ये रहेगा नहीं, यहाँ पर P हो जाएगा, तो P के दाएं, तो दाएं यानी कि उधर है, यानी कि P के दाएं इस स्थान पर कौन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो डायग्राम में दे रखा था, क्वेश्चंस देखिएगा, तो क्वेश्चंस में था आपका A P R X S और Z। तो सबसे पहले देखिएगा कि इस सब में कौन सब बैठ गया इस पर, तो सब बैठा है, सिर्फ X नहीं बैठा है, आप जैसा कि देख रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, X बैठेगा, यानी कहने का मतलब कि P के दाएं कौन है, तो P के दाएं कौन होगा, X होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और भी क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्त, यह जो है मैथ कम रेनिंग ज्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहता है प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी करके आने में 3 घंटे 30 मिनट का समय ले लेती है, ठीक है, वह दोनों रास्ते चलकर 4 घंटे 10 मिनट में तय कर लेती है, उसे दोनों रास्तों से सवारी करके आने में लगने वाला समय क्या होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको एकदम चंद सेकंड में आप 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले जो कि आपका कहेगा कि प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी करके आने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो इसको क्या करेंगे कि चलकर आती है, यानी कि दोनों स्थान को गुना कर देंगे 2 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपका दोनों तरफ से दिया हुआ था उसको क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 घंटा 30 मिनट को 2 से गुणा करने के बाद आपका आया कितना 7 घंटा, जो कि 3 दुना 6 और 30 दुना 7, तो 1 घंटा पूरा हो गया, तो 7 घंटा। अब जो आपको दे रखा था कि दोनों रास्ते चलकर 4 घंटे 10 मिनट में तय कर सकती है, तो जो आपका दे रखा था उसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटाने के बाद बच जाएगा 1 साइडेड वाला, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 बजे में से 4 बजकर 10 मिनट को घटाएंगे, तो यहां से एक पैचा लेंगे, तो यहां से ले लिए 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, चूंकि ये मिनट में दे रखा है, तो यहां घंटा को बदल देंगे मिनट में, तो 60 मिनट हुआ, तो यहां हो गया कितना आपका 60, तो 60 में से 10 गया तो कितना 50, ये आपका 50 मिनट हो गया, ठीक है। अब यहां बच गया आपका कितना 6, चूंकि 7 में से 1 ले लिए थे, तो 6 में से 4 गया तो कितना 2, यानी कि कितना हो गया 2 घंटा 50 मिनट, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो बस इसी टाइप का बनाइएगा, ये आपका मैथ कम रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है रेनी का 5 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, एक आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें बोलता है कि चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने हाउ मेनी ट्रायंगल्स है, ठीक है। आपका ऑप्शंस है 8, 10, 12 और 14, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे इसको बनाते हैं, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसको जो है मैंने ट्रायंगल्स पे, स्क्वायर पे, ठीक है, कुछ आपका जो है त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या निकालने संबंधित वीडियो बना रखा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आप इस डायग्राम में टोटल एक एक स्क्वायर से चलेंगे, ये वर्ग से चलेंगे, ठीक है, इस वर्ग से सबसे पहले चलेंगे कि इस वर्ग में फिलहाल कितना त्रिभुज बन रहा है,
ठीक है, तो इस वर्ग में देखेंगे एक और दो, यही त्रिभुज बन रहा है ना, दो त्रिभुज। तब हम इसको क्या करेंगे कि अभी इस वर्ग में देखेंगे तो इसमें भी आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि हर हालत में दो दो ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 + 2, तो 2 कितना हो गया 3 इस वर्ग में, इसमें भी 1 + 2 तो कितना 3, फिर इसमें भी 1 + 2 तो कितना 3, और इसमें भी 1 + 2 तो कितना आपका 3। तो टोटल जोड़ देंगे तो 3, 6, 9 और 12, यानी कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, है ना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, आप जनरली इसको बना दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले रीजनिंग की ओर। रीजनिंग नंबर 6 में आपका जो क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो यह जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक्स डब्लू का बेटा है और डब्लू भी का भाई है, ठीक है, यू भी की बहन है, तो बताएं कि यू एक्स से कैसे संबंधित है। आपके ऑप्शन ये रहे, बेटी निर्धारित नहीं कर सकते, माँ और बहन, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो है सबसे पहले बोला था कि एक्स डब्लू का बेटा है, तो देखिएगा एक्स डब्लू का बेटा है, यानी डब्लू का बेटा कौन है, एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे डब्लू का बेटा है, एक्स जो है डब्लू का बेटा है, तो डब्लू को यहाँ रखेंगे और एक्स नीचे रखेंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध होता है, बेटा के लिए प्लस और बेटी के लिए माइनस, तो यहाँ पर बेटा है इसलिए प्लस, ठीक है, तो एक्स जो है डब्लू का बेटा है, यानी कि ये जो आपका पुत्र हो, ये पुत्र हो गया, ये पिता हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, और डब्लू भी का भाई है, डब्लू जो है भी का भाई है, तो भाई के लिए आप इधर क्रॉसिंग कर सकते हैं या फिर इधर क्रॉसिंग कर सकते हैं, तो यहाँ भाई है, डब्लू भी का भाई है, यानी कि ये जो है भाई हो गया, यानी कि मेल कैंडिडेट हो गया, तो प्लस, ठीक है, वे के लिए तो कुछ अभी बोला नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा भी यू की बहन है, भी जो है यू की बहन है, तो भी यू की बहन है, तो बहन के लिए फिर यहाँ कर देंगे यू, तो भी यू की बहन है, तो ये बहन हो गई ना, यू भी यू की बहन है, तो बहन हो गई थी, माइनस का सूचक होगा। ठीक है, अब यू के लिए तो बोला नहीं कि भाई है या बहन है, मेल या फीमेल के लिए तो नहीं सूचित किया, तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अब कहता है कि बताएं कि यू एक्स से कैसे संबंधित है, यू एक्स से कैसे संबंधित है, देखिएगा यू जो है एक्स से कैसे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका पिता ये है और इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है, तो यहां से इसका संबंध अगर चलेगा तो एक तो चाचा हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एक्स का इस चाचा लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है और माइनस है, यानी कि इससे साबित होता ही नहीं कि मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो या तो इसको चाचा कर सकते हैं या फिर बुआ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन संभव कौन जाएगा, बी, जो कि निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए कि इसका कोई मेंशन ही नहीं है कि यह प्लस है या फिर माइनस है, यानी कि मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, तो आई होप दोस्त आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक तो बनता है ना दोस्त, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।